भागलपुर में विक्रमशिला केंद्रीय विश्वविद्यालय के निर्माण की आस जगी है। निर्माण समिति के सदस्यों ने भागलपुर के प्रभारी मंत्री संतोष कुमार सिंह से मुलाकात कर जल निर्माण का आग्रह किया है। वहीं मंत्री ने सकारात्मक प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि वे इस दिशा में तेजी से काम करेंगे। प्रभारी मंत्री संतोष कुमार सिंह ने कहा कि वे विक्रमशिला विश्वविद्यालय के निर्माण को लेकर गंभीर हैं। उन्होंने कहा कि जल्द ही इस दिशा में ठोस कदम उठाए जाएंगे। मंत्री ने निर्माण समिति को जल्द से जल्द विश्वविद्यालय के निर्माण के लिए आवश्यक प्रपत्र तैयार करने और उन्हें सरकार को सौंपने की जिम्मेवारी सौंपी है। दरअसल प्रभारी मंत्री से विक्रमशिला विश्वविद्यालय को लेकर मुलाकात करने वालों में बीपुर विधायक इंजीनियर कुमार शैलेंद्र, पीरपैती विधायक इंजीनियर ललन कुमार, कहलगांव विधायक पवन यादव, सुल्तानगंज विधायक प्रोफेसर ललित नारायण मंडल और MLC विजय कुमार मौजूद थे। उन्होंने भी मंत्री से जल निर्माण की मांग की है कि सरवाहा विद्यालय और लाठी पियावन तेल पियावन रैली तो हम नहीं न कर रहे हैं भाई। हम तो नालंदा जैसे जो विश्व में प्रख्यात था, त्रेता द्वापर में जिसका नाम था, हम विश्व गुरु कैसे थे ये पहचान दिलाने वाला नालंदा यूनिवर्सिटी था। किसी ने ध्यान नहीं दिया। 17 साल तो कोई और राज किया था ना बिहार में, किसी की तो सरकार थी विक्रमशिला, वो भी होगा, कोई बचेगा नहीं। हम कोई भी मेरा जो आदर्श है बिहार जिसके नाम से जाना जाता हो, बिहारी जिससे गर्वान्वित महसूस करते हो, वो हम छोड़ने वाले नहीं है। चाहे वो नालंदा हो, चाहे विक्रमशिला हो, चाहे बिहार की कोई यूनिवर्सिटी हो। भागलपुर शहर में यातायात व्यवस्था को सुधारने के लिए पटना मॉडल का अनुसरण किया जा रहा है। शहर में पहले से ही ई चालान लागू है, जिसके तहत ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों पर जुर्माना लगाया जाता है। दरअसल शहर में अक्सर जाम की समस्या बनी रहती थी। इस समस्या से निपटने के लिए यातायात पुलिस ने एक नई पहल शुरू की है। गुरुवार को भागलपुर के घंटाघर चौक और उल्टा पुल पर यातायात पुलिस की सहायता के लिए 2 ट्रैफिक केबिन बनाए गए हैं। इन केबिनों से खड़े होकर यातायात पुलिस कर्मी वाहनों को दिशा निर्देश दे सकेंगे, साथ ही तेज धूप और बारिश से भी बचाव कर सकेंगे। दरअसल इन दोनों ट्रैफिक केबिनों को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया द्वारा प्रदान किया गया है, जिसका उद्घाटन वरीय पुलिस अधीक्षक आनंद कुमार, ट्रैफिक DSP आशीष कुमार सिंह और SBI के अधिकारी ने संयुक्त रूप से किया। उद्घाटन के अवसर पर यातायात प्रभारी सहित कई जवान मौजूद थे। बता दें कि इन नए ट्रैफिक केबिनों से यातायात व्यवस्था में सुधार होगा और शहर की सड़कों पर जाम कम होगा। दरअसल यह पहल निश्चित रूप से यातायात पुलिस कर्मियों के लिए भी फायदेमंद होगी, जो अब गर्मी और बारिश से बेहतर तरीके से बचाव कर सकेंगे। आप देखिए, जो ट्रैफिक पुलिस है, आप सभी को पता है कि जाड़ा हो, गर्मी हो, बरसात हो, वो लगातार सड़क पर रहते हैं और जब धूप होती है तो धूप की मार खाते हैं, बारिश में बारिश को भी झेलते हैं। तो इसमें एक बड़ा सहयोग जो हमारी सबसे देश की सबसे बड़ी राष्ट्रीयकृत बैंक है SBI, उन्होंने किया है। उन्होंने अपने कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत 2 केबिन, एक तो यहाँ जहाँ हम लोग अभी खड़े हैं शहीद चौक पे और एक उल्टा पुल के ऊपर। देखिए ऐसा है, इनके अपने एक केबिन है क्योंकि आज के दौर में इतना इम्पोर्टेंट, आप देख रहे हैं कि बहुत सारा गर्मी भी बहुत ज़्यादा पड़ता है, बरसात का भी आप देख रहे हैं, बरसात का सीजन है और हमारे लड़के को लड़कियों को जो जवान है ट्रैफिक के, उनको रोड पे ही खड़ा रहना है, तुरंत जाम लग जाता है। आप सत्यन विलम्ब वर्षा रुकी, देखिए आप देखे होंगे कि चौक हो गया, तो खास करके उसके लिए बरसात का समय होगा तो 4 लड़के ड्यूटी में है तो 2 लड़के छिप सकते हैं इसमें, 2 लड़के छाता लेके बरसाती लेके रोड पे जा सकते हैं। कभी धूप का मौसम बहुत ज़्यादा हीट है या फिर मान लीजिए ड्यूटी किया और ऑफ में 10 मिनट बैठने का हुआ तो अपने अंदर में बैठा, तो आप लोग बराबर देखते हो सोशल मीडिया पर फोटो खींचते किए बैठे हुए, आखिर इंसान है तो उसके पास कहीं नहीं है तो कहीं पुल पे ही बैठेगा, तो ये हो गया तो अब इसको आराम करने का, 10 मिनट रुकने का, बहुत हीट में है तो थोड़ा सा रिलैक्स होने का, जो खास करके सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। हमारे यहाँ लड़कियों की संख्या बढ़ी है, सरकार का ये प्रोजेक्ट रहा है और लड़कियों को बढ़ावा देने के लिए 35% बहाली है, तो लड़कियों की संख्या बढ़ी है, उनको ड्यूटी करना है। आप हम सभी सब जानते हैं कि लड़कियों के साथ व्यावहारिक परेशानी होती है, सुबह आई और शाम तक रहना, तो इसमें खास करके इसमें यूरिनल भी है महिलाओं के लिए, तो कभी
भागलपुर जिले के पीरपैंती प्रखंड में एक बार फिर सड़क हादसे की घटना सामने आई है। ब्लॉक और थाना को जोड़ने वाली सड़क पर शेरमारी से दुलदुलिया की ओर जा रही चार पहिया वाहन अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गया और खाई में जा गिरा। इस हादसे में अजीत कुमार और सुजीत कुमार नामक दो व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गए, जबकि वाहन में सवार नागेश्वर कुमार, सार्थक कुमार और बबन कुमार को मामूली चोटें आई है, जिनका इलाज पीरपैंती अस्पताल में किया गया, जबकि गंभीर रूप से दो घायल को प्राथमिक उपचार के बाद उसकी हालत को देखते हुए उन्हें बेहतर इलाज के लिए मायागंज अस्पताल रेफर कर दिया गया। वहीं घटना की सूचना मिलते ही पीरपैंती पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी। जांच के दौरान यह बात सामने आई कि वाहन की रफ्तार तेज थी, जिसके कारण यह अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गया। हम लोग तो उधर से आ रहे थे जी, ब्लॉक तरफ से। जी, ब्लॉक तरफ से। अच्छा जी, तो देखे कि यहाँ पर गिरा हुआ था, हम लोगों ने सब सहयोग करके हॉस्पिटल अभी भेजे है। तो कितना लोग था? तीन था, एक बच्ची है, बच्ची को नहीं कुछ हुआ है और दो आदमी को सीरियस घायल हुआ, खून वगैरह भी निकला था। कहाँ अभी कहाँ गया है? राहुल गांधी द्वारा सदन में हिंदुओं को लेकर दिए गए बयान के बाद विवाद बढ़ता ही जा रहा है। हिंदू एकता के बैनर तले भागलपुर के लोग राहुल गांधी के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं और उनसे देश की जनता से माफी मांगने की अपील भी कर रहे हैं। गुरुवार को भागलपुर स्टेशन चौक के पास सैकड़ों हिंदुओं ने राहुल गांधी मुर्दाबाद के नारे लगाए और उनके लोकसभा में दिए गए बयान के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारी अपने हाथों में तख्तियां और बैनर लेकर विरोध प्रदर्शन करते दिखे। इस दौरान लोगों ने राहुल गांधी से अपील की कि वे देश में हिंदुओं को गाली देना बंद करें और कहा कि राहुल गांधी अब तक सनातन का अपमान करते आ रहे हैं। राहुल गांधी के द्वारा दिया गया हिंदुओं के खिलाफ गंदी और ओछी वक्तव्य को लेकर के ये विरोध और प्रदर्शन हम तमाम हिंदू भाइयों बहनों और महिलाओं के द्वारा किया जा रहा है। क्या लगता है आपके इस टिप्पणी से ठेस पहुंची है? बेहद ठेस पहुंची है, हिंदू के सद्भावना को ठेस पहुंची है, हिंदू के मानसिकता को ठेस पहुंची है, हिंदू के जैसे शांति प्रिय व्यक्ति और जन भावनाओं को ठेस पहुंची है। राहुल गांधी से ऐसा कभी कतई उम्मीद नहीं किया गया था। क्या लगता है कि हार के वजह से इस तरह के बयानबाजी उनका हो रहा है? राहुल गांधी का वक्तव्य घोर हिंदू मानसिकता के खिलाफ है। भागलपुर नगर निगम प्रशासन द्वारा चलाए गए अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत अतिक्रमण दस्ते ने आज शहर के कई इलाकों में सड़कों पर अवैध रूप से किए गए कब्जों को अतिक्रमण मुक्त कराया। इस अभियान के दौरान मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में 5 किलोमीटर तक सड़कों को अतिक्रमण मुक्त कराया गया। दरअसल यह अभियान शहर में बढ़ती जाम की समस्या से निजात दिलाने के लिए निगम प्रशासन द्वारा चलाया गया था। अतिक्रमण हटाने के दौरान सड़कों पर रखे गए ठेले, दुकानें और अन्य अवैध ढांचे को हटा दिया गया, साथ ही सड़कों पर अवैध रूप से रखे गए गिट्टी और बालू को भी जब्त किया गया। नगर निगम प्रशासन ने चेतावनी दी है कि यदि कोई दोबारा सड़कों पर अतिक्रमण करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये अतिक्रमण जो है रोड पर बालू और ठेले गिरा के रखे हुआ है और बहुत इंतजार किए कि जिनका है उठा ले बालू, लेकिन नहीं, आदमी आने पर ही बालू उठा के जो है ले जा रहे हैं, अतिक्रमण हटा रहे हैं, उसके बालू हटा। कहाँ पर का हटा रहे हैं? इस सुरक्षा रोड बजरंग बली के आगे में है, 5-5 आगे में बालू गिरा हुआ है, छवि गिरा हुआ है, 5-6 दिन से पड़ा हुआ था यहाँ। आपका परिचय? मेरा नाम शंकराचार्य उपाध्याय है,